अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सेवा। नमस्कार, लाइव 10 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं तनु। उत्तर प्रदेश के शामली में गाड़ी सवार बदमाशों ने विदेशी AK-47 और अलग अलग बोरे के 1300 कारतूस का जखीरा बरामद होने के मामले में लखनऊ से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और मेरठ की IB टीम जांच करने पहुंची। दोनों टीमों ने अपने स्तर पर इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। जाँच एजेंसियाँ विदेशी AK-47 बरामद होने के कारण इस मामले में आतंकी कनेक्शन भी खंगाल रही है। लखनऊ से NIA की टीम और मेरठ से IB की टीम थाना भवन पहुंची। NIA की टीम ने पुलिस से पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि बीते सोमवार की रात उत्तर प्रदेश के थाना भवन पुलिस ने कादरगढ़ पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही गाड़ी में सवार बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गाड़ी से AK-47 और 1300 कारतूस बरामद किए थे। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने बरामद हथियार और कारतूसों को कुख्यात संजीव जीवा ने अपने गुर्गों से 11 लाख रुपए में उपलब्ध कराए थे। AK-47 राइफल पे चाइनीज अक्षर से लिखा है, जबकि ड्रम मैगजीन पर मेड इन रोमानिया का टैग लगा मिला है। AK-47 राइफल और कारतूस बरामद होने का मामला लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच गया। NIA और IB की टीम की जांच का पहला फोकस इस बात पर है कि बरामद AK-47 कहां की बनी है, बदमाशों तक कहां और कैसे पहुंची। NIA की इस बात की भी जांच कर रही है कि विदेशी AK-47 है तो उसका कोई और आतंकी कनेक्शन तो नहीं। इसके अलावा इन बिंदुओं पर भी जाँच की जा रही है कि AK-47 हथियार बरामद होने के मामले की तार कहाँ तक और किन लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां शामली के अलावा मुजफ्फरनगर में भी इस मामले की जांच कर रही है। SSP ने बताया कि जांच एजेंसी की टीमों के आने की जानकारी मिली है, जो इस मामले की जांच कर रही है।